एक कहानी आदम ते हवा तो शुरू होंदी है, जिन्हां सुन खुदा दी बजाए शैतान दी आवाज सुनी, उन्हां सुन नाफरमानी कीती ते इंसान दा खुदा दे नाल रब्ता त्रुट गया। उन्हां सुन सब तो पहले गुनाह दा तजर्बा कीता ते गुनाह दे कीते मौत आई। उन्हां सुन अपने नंगे पन दी शर्मिंदगियां बूटे दे पत्तियां नाल छुपाया, पर खुदा उन्हां तो खुश ना होया। खुदा सुन आपे सब तो पहले इन दी शर्मिंदगियां छुपाने वास्ते जानवर दी कुर्बानी दिती। आदम ते हवा दे दो बच्चे अबील ते काबील। काबील अल्लाह ताला दे हुजूर डोगियां विच जो लांदा आया उसका नजराना किन के आंदा आया, ते हबील सुन जानवर दी कुर्बानी चढ़ाई, खून दी कुर्बानी। खुदा सुन अबील दी कुर्बानी अबू कदर नाल कबूल कीता, क्यों? इस वास्ते के गुनाह दी मजदूरी मौत है, ते ए असा अल्लाह ताला तो बखरा करदा आ, ते उसका मुल जिंदगी दे नाल ही चुकाया जो लगदा आ। कबील सुन असद दी वजह नाल अबील मार छोड़िया, ते इंसान दी नस्ल गोप के नेरे विच सट छोड़िया। कई सौ साल बाद चीजा होर भी बहुत खराब हो गई, ते अल्लाह ताला सुन आखिया जमीन ते जीने दा किसी कोई हक नहीं सिवाय नूह ते उसके खानदान दे। खुदा सुन नूहां एक कश्ती बनाने दा आखिया, एक बहुत बड़ी किश्ती, ते इस नाल नाल ए तबलीग करने दा आखिया। गुनाह दी अदालत लगने वाली है, ते अल्लाह ताला दे रहम दा सिर्फ एक ही राह है। ओ नू ते हस्ते ते उसका मखोल उड़ांदे, आसमान तो बारिश आई ते जमीन दियां तवां विचों पानी निकलिया, ते इस वास्ते लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। पानी सुन हर इंसान मार छोड़िया, ते दुनिया अपने गुनाहों की वजह नाल तबाह हो गई। सिर्फ नूह ते उसका खानदान ते वो जानवर जेड़े अल्लाह ताला कश्ती विच आंदे बच गए। फिर इब्राहिम आए ईमानदारां दे प्यो, अल्लाह ताला सुन उन्हां अपने पुत्रियां टाके उते कुर्बान होने दा हुक्म दिता। इब्राहिम अल्लाह दे इस हुक्म तो परेशान होए, पर उन्हां सुन खुदा दा हुक्म मनिया, उन्हां सुन अपने अमल नाल अपने ईमान साबित कीता, ते अपने पुत्रियां मूरिया दे टाके उते किन गए। पर जिजू ही हजरत इब्राहिम अपने पुत्रियां कुर्बानी करने वाले अल्लाह सुन उन्हां रोक सकया, ते उन्हां दे पुत्रे दी बजाए एक दुंबा चा दिता। ये जानवर उसका बदला आ, उस दे पुत्र दी जाई दा बदला आ, खून दे बदले खून ते जिंदगी दे बदले जिंदगी। 400 साल बाद अल्लाह ताला सुन हजरत मूसा वां मिस्र विचों लोकां वां कढ़ने वास्ते भेजिया। फिरौन मिस्र दे बादशाह सुन इस गल्ला नहीं मनिया, ते फिर अल्लाह ताला सुन उसा सजा देने दे वास्ते 10 मुसीबतां भेजियां। आखरी आफत अल्लाह ताला सुन मौत दे फरिश्तियां भेजिया कि करे दे हर एक पलेठी दे मारे, जबकि लोकां वां हुक्म दिता गया कि एक दुंबे या कुर्बान करो और उसका खून अपने करे दी चुकाट उथे ला के नौन। कदे फरिश्ता ये खून देखे ते समझ जुले के इस करे दे अंदर बचे कुर्बानी दी वजह तो छुड़ाए गए। यहूदी होण या मिस्री, गुलाम होण या आजाद, अगर खुदा दा हुक्म मन जुलोना ते वह भी बच जुलोना। कदे नहीं उस राती इंजू ही होया जिंजू हजरत मूसा सुन पेशमगोई कीती, ते मिस्र दे उस हर घरे विच रोना ते मातम आया जिस सुन कुर्बानी दे जरिए खुदा दे रहम दा इनकार कीता है। बाद विच हजरत मूसा सुन लोकावां तुरैत दिती, जिस विच खुदा सुन लोकावां गुनावां तो बचने दा तरीका ते आईन दिता। गुनागार मुफ्ती कोल कुर्बानी वास्ते डंगर आण दा आया, ते इस दे सिरे उते रख छोड़दा आया, जिहड़ी इस गल दी निशानी आई कि इस दे गुनाह इस जानवर ते सट छोड़े गए, ता उस डंगरा कुर्बान कीता जुलदा आ, उस ते खून डोलने नाल गुनागार दे गुनाह माफ हो जुलदे। हजरत दाऊद बादशाह ते होरा नबियां सुन मूसा दी दिती गई तो रैत दी पैरवी कीती, पर वो हैरान है कि बाकी डंगरा दी कुर्बानी नाल इंसान दे गुनाह माफ हो जुलदे।
या फिर ये निशानियां ते अलामात आने वाले वक्त की तरफ इशारा कर दे। दाऊद ने आने वाले दी पहले तो गवाही चाह दी थी। एक बादशाह सी हजरत मसीह दी, जिहड़ा हजरत दाऊद दी नस्ल विचों सी, जिहड़ा अपनी कुदरत नाल हुकूमत कर सी, जिहड़ा बहुत नरम दिल ते आजज़ सी। हजरत मसीह बेगुनाह कामल मासूम ते बेकसूर सी। वो दुख सहसी ते मरसी ते एही कामल कुर्बानी सी। हजरत ईसा एक तबेले बाड़े बिच पैदा हुए, क्योंकि किसी को उना वस्ते जा नहीं आई। एक कुंवारी तो पैदा हुए जिहड़ी बहुत ज्यादा पाक दामन आई। एक शाही घराना जिहड़ा बहुत गरीब आ ते दाऊद शाह दी नस्ल तो होया। गरीब बकरियां चराने वाले ते मशरक तो बहुत अमीर मजूसी बचे आ मिलने वास्ते आए ते उन्हां सुन गवाही दित्ती कि बेशक आने वाले मसीह ही है जिन्हां दा वादा अज़ला तो कीता गया है। हज़रत ईसा होना मुहब्बत अमन सकून ते इंसानियत दा सबक दिता। वो बुआ जिस तरखाण है पर शानदार फिलासफर है। उन्हां सुन चौथे मजहबी रहनुमावां दी बहु मुखालफत कीती, जिहड़ा खुदा नाल मुहब्बत दी बजाए मजहबी रस्म और रिवाज दी बहु ज्यादा परवाह करते। पर उस सुन गरीबा मस्कीना तौबा करने वाले ते गुनागारा नाल प्यार कीता। उन्हां सुन अन्या डोरियां मफलूजा ते बदरुआं विच फसे दियां शफा बख्शी ते उन्हां इथों तक के मुर्दा भी जिंदा कीते। एक बेघर आदमी ते वीरानियां विच रहने वाला उस्ताद, खुदा नाल प्यार करने वालियां वास्ते एक इनकलाबी आवाज, वो पूरी तरह चीज जिंदगी जीवन। हजरत ईसा सुन खुदा वा प्यो आखिया और इंसान दी नस्ल दस्या के कादरे मुतलक तुसां दा प्यो दी तरह प्यार करदा है। खुदा इंसान अपने बच्चों नाल प्यार करना चाहता है, पर एक मसला है, इंसान गुना नाल भरेदा है ते खुदा दी जात पाक। इंसान दा गुनाह आदम तो शुरू होया ते उस सुन इंसान दी नस्ला खुदा तो अलहदा कर छोड़या ते मसीह यहां पता है कि इस तलोकां जोड़ने वास्ते उन्हां के करना चाहिए। एक कहानी आदम ते हवा तो शुरू होंदी है, जिन्हां सुन खुदा दी बजाय शैतान दी आवाज सुनी, उन्हां सुन नाफरमानी कीती ते इंसान दा खुदा दे हजरत ईसा ही मसीह है चुनिया होया। इस अजीम कुर्बानी वास्ते चुनिया होया। उन्हां सुन कदे भी गुनाह नहीं कीता। वो पाक साफ कामल खालस ते गुनाह दा मुल देने वास्ते पूरे कामल है। एक मासूम गुनाह दे बदले चाह दिता गया, पाक साफ गुनाह तो परे दे लोगां वास्ते बदले विच चाह दिता गया। उस सुन ए प्यो वास्ते कीता, गुनाहगार लोगां बचाने वास्ते अपनी जान दित्ती कि ओ उना वां गुनाह दी गुलामी तो आजाद करे ते इस तालुका फिर तो जोड़ सके जिहड़ा आदम दी वजह नाल त्रुट गया है ते खुदा दे नाल कामल रिश्ता फिर तो जोड़ सके। हजरत ईसा मसीह सलीब ते मरे ना यहूदी ते ना रूमियां दी वजह नाल, बल्कि खुदा दे करके अपने प्यो वास्ते। खुदा सुन हजरत ईसा वां कुर्बान कीता अपना वादा पूरा करने वास्ते। वो अल्लाह ताला दा लैला बन जुलसी, जिहड़ा दुनिया दे गुनाहों को जाके कहन खड़ सी तेरे और मेरे भी। त्रै दिहाड़ियां बाद खुदा सुन हजरत ईसा वां जिंदा कीता। मसीह वां मुर्दियां विचों उन्हां वास्ते जिहड़े ईमान रखते उन्हां नाल एक वादे दे तौर उते कि वो भी हमेशा दी जिंदगी वास्ते दोबारा जी उठ सो। उस दे बाद हजरत मसीह सुन अपने शागिरदा नाल वादा कीता कि वो दोबारा आसन पर इस वारी एक मुनसिफ ते बादशाह दे तौर ते आसन। मसीह इंसानियत दे वास्ते खुदा दा तोहफा है कि वो अपने गुनाहों दे सबब ना मर सन ते खुदा तो अलहदा ना हो सन, पर हजरत ईसा वां कबूल करने नाल उन दी कुर्बानी दे तालुका खुदा दे नाल कामल तौर उते जोड़ सकते। और किसी भी तोहफे की तरह तेरा नहीं आता जदों तक तुसी उसां पा नहीं किंदे हो।